हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ माइंड्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सीआरपीसी। इंट्रोडक्शन। तो सीआरपीसी जो है प्रोसीजर बताता है इन्वेस्टिगेशन का, जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उनका। सो फर्स्टली वी शुड नो व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन एंड व्हाट वेयर इट इज डिफाइंड। सो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ सीआरपीसी। And it means that investigation includes all the proceedings under this code for the collection of evidence conducted by a police officer or by any person other than magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf. The investigation जो है वो include करता है collection of evidence जो कि कौन कौन कर सकता है, पुलिस ऑफिसर और या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसको मजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज किया है इन दिस बिहाफ। अब बात करते हैं कि प्रोसीजर कैसा है इन्वेस्टिगेशन का, इन कट शॉर्ट। सबसे पहले जो प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले FIR रजिस्टर की जाती है इन द पुलिस स्टेशन, जिसकी भी ज्यूरिसडिक्शन में क्राइम कमिट हुआ है। FIR रजिस्टर होने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर IU अपॉइंट किया जाता है, जो कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करता है और उस इंक्वायरी के दौरान जो IU है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, एविडेंस को कलेक्ट करेगा, जो भी उस टाइम पे उस जगह पे मिलते हैं, जितने भी विटनेसेस हैं उन सबको आइडेंटिफाई करेगा। और जब IU सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ कोई क्राइम कमिट हुआ है, तो ही प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन। और IU अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगा टू मैजिस्ट्रेट आफ्टर एवरी इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ क्राइम जो है वो इन्वॉल्व करते हैं वेरियस स्टेप्स लाइक कलेक्शन ऑफ एविडेंस, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, अरेस्ट ऑफ सस्पेक्ट जितने भी उनको लग रहा है कि ये सस्पेक्ट है, एंड देन प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस बिफोर द कोर्ट। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करेगा जो भी सीआरपीसी में बोले हैं उसको फॉलो करने को, एंड देन IU कंक्लूड करता है अगर मान लो कोई सफिशियंट एविडेंस है टू प्रोसिक्यूट द एक्यूज, तो चार्जशीट प्रिपेयर की जाएगी, और अगर कुछ भी नहीं है तो एक क्लोजर रिपोर्ट जो है अंडर सेक्शन 173 वो प्रिपेयर की जाएगी। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल। एंड चैप्टर 12 ऑफ सीआरपीसी डील्स विद द इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। सो लेट्स डिस्कस इट। Firstly, it's cognizable and non-cognizable offenses. Before studying the procedure, we should know what is cognizable and non-cognizable offenses. So, cognizable offenses are defined under Section 2, Clause C of the CRPC. And ये वो offenses होते हैं जहाँ पे police without warrant किसी भी suspect को arrest कर सकती है, और जहाँ पे जो punishment है वो 3 साल से ज़्यादा है, और ये offenses serious nature के होते हैं। And on the other hand, non-cognizable offenses are less severe in nature and it is defined under Section 2, Clause I of the CRPC. और यहाँ पे पुलिस सस्पेक्ट को विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती है, एंड विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। देन सेक्शन 154 FIR रजिस्टर करने की इन केसेस ऑफ कॉग्निजिबल केसेस, एंड सेक्शन 155 डील करता है इंफॉर्मेशन नॉन कॉग्निजिबल केसेस एज वेल एज इट्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ दोज केसेस। इस सेक्शन में बोला गया है कि जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को दी जाती है और वो इंफॉर्मेशन कॉग्निजिबल इन नेचर नहीं है, वो केस कॉग्निजिबल नहीं है, तो पुलिस ऑफिसर अपनी मर्जी से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकता है अंटिल और अनलेस उसको मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है इन्वेस्टिगेशन करने का। देन नेक्स्ट इज सेक्शन 156। Authority to investigate or investigation by police officer. Section 156 कहता है जब भी कोई cognizable offence होता है उसकी investigation बिना permission की court से की जा सकती है, और ये section बताता है कि police के पास authority है कि वो evidence को collect करेगा, witnesses को examine करेगा और search और seize करेगा जो भी material evidence उसको मिलते हैं, और अगर उसे लगता है कि it is necessary to arrest the accused and he can do that too. Section 157 talks about the procedure of the investigation. Ki investigation kaise ki ja sakti hai, uska procedure kya hai. To sabse pehle jaise hi FIR register ho jayegi, police officer visit karenge at the scene of crime aur wahan pe investigation ko conduct karenge, aur investigation
के दौरान पुलिस ऑफिसर नोट डाउन करेंगे जो भी क्राइम सीन की डिटेल्स हैं, उस टाइम उसकी कैसी कंडीशन थी, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे पाई गई, कौन से विटनेसेस वहाँ पे प्रेजेंट थे, और एक रफ स्केच प्रिपेयर करेंगे ऑफ द क्राइम सीन, और जो भी चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी उसके बारे में उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। एंड इन्वेस्टिगेशन जो है एक रीजनेबल टाइम फ्रेम में कंडक्ट होनी चाहिए, और एक वेल डॉक्यूमेंट क्राइम सीन जो है वो असेंशियल है फॉर द प्रोसिक्यूशन टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग केस इन कोर्ट। सो हर चीज़ जो है एक डॉक्यूमेंट में मेंशन इन रिटन फॉर्म होनी चाहिए। देन विल टॉक अबाउट सेक्शन 158 वेयर रिपोर्ट इज सबमिटेड, एंड देन इट्स सेक्शन 116 दैट इज पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू सेक्शन 160, लेट्स डिस्कस सेक्शन 165 दैट इज सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। सेक्शन 165 ऑफ सीआरपीसी पुलिस ऑफिसर को पावर देता है कि वो कभी भी वो कंडक्ट कर सकता है सर्च ऑफ अ पर्सन, प्लेस और व्हीकल जहाँ पे उसको लगता है कि समथिंग रिलेटेड टू एन ऑफेंस इज हिडन और कंसील्ड। और पुलिस ऑफिसर वहाँ पे सर्च कंडक्ट कर सकता है विदाउट वारंट इफ दे हैव रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट ऑब्टेनिंग अ वारंट वुड रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस और एस्केप ऑफ ऑफेंडर। कि कुछ अगर आपने पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अगर हमने अभी सर्च नहीं करी तो जब तक हम वारंट लेके आएंगे तब तक शायद जो एविडेंस है उसके साथ कोई डिस्ट्रक्शन हो जाएगी या फिर ऑफेंडर जो है वो भाग जाएगा, उस केस में विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर सर्च कंडक्ट कर सकती है। और पुलिस ऑफिसर को अपने रीजंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन राइटिंग, और उसकी कॉपी जो है वो उस व्हीकल जो व्हीकल सर्च किया जा रहा है, जो भी प्रमाइसेस सर्च की जा रही है उस पर्सन को देनी होगी। एंड देन द ऑफिसर विल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम दैट इज सीज्ड ड्यूरिंग द सर्च, एंड ही हैज टू प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ द सेम टू द पर्सन इन हुज प्रमाइसेस और व्हीकल इट इज बीइंग सर्च्ड। एंड ये सर्च वही पुलिस ऑफिसर कर सकते हैं जिनका रैंक अबव कॉन्स्टेबल है। देन लेट्स मूव फॉरवर्ड टू 161 दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन द पुलिस ऑफिसर कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन हैज पावर टू एग्जामिन ऑरली एनी पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को जिस जो इसके बारे में जानता है, जो उस क्राइम सीन पे मौजूद था, उसको कुछ भी अपने उस फैक्ट्स के बारे में पता है, उनको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। पुलिस ऑफिसर कैन आस्क क्वेश्चंस टू द विटनेस और उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा इन ऑन पेपर और इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। हाउएवर यहाँ पे बहुत सारी लिमिटेशंस हैं टू पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। फॉर एग्जाम्पल पुलिस ऑफिसर फोर्स नहीं कर सकता है विटनेस को टू आंसर एनी क्वेश्चन जो वो आंसर नहीं करना चाहता है, और जो स्टेटमेंट ऑफ विटनेस है वो रिकॉर्ड की जाएगी उस तरह से जिससे कोई एम्बिग्युटी पैदा ना हो। और इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो दैट द स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस रिकॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन इज नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस इन कोर्ट। देन सेक्शन 162 बात करता है स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइन यूज ऑफ स्टेटमेंट्स इन एविडेंस। इस सेक्शन में बोला गया है कि पुलिस ऑफिसर कैनॉट ऑब्टेन अ सिग्नेचर ऑफ अ विटनेस और एक्यूज्ड ऑन एनी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई भी विटनेस या एक्यूज्ड अब कोई स्टेटमेंट पास करता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन देन इट कैनॉट बी साइन बाय देम। ये सेक्शन प्रोवाइड करता है कि कोई भी स्टेटमेंट जो पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के दौरान कही गई है इट कैनॉट बी यूज एज एन एविडेंस इन कोर्ट। ये इसलिए कहा गया, ये इसलिए रखा गया ताकि पुलिस जो है थ्रू कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर किसी भी फोर्स से कोई कन्फेशन या विटनेस ऐसी कोई स्टेटमेंट लेके उसे एज एन एविडेंस यूज ना कर ले। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द स्टेटमेंट मेड बाय विटनेस और एक्यूज पर्सन बिफोर एनी अदर अथॉरिटी सच एज मजिस्ट्रेट इट कैन बी यूज एज एन एविडेंस इन कोर्ट, बट देयर इज अ कंडीशन दैट द स्टेटमेंट मस्ट बी मेड वॉलेंटरिली एंड इट कैनॉट बी ऑब्टेन थ्रू कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। सो बेसिकली कोई भी स्टेटमेंट अगर मजिस्ट्रेट को दी गई है तो वो एज एन एविडेंस आप ला सकते हैं कोर्ट में, बट वो भी बिना किसी कोर्जन के उसने इंसान उस एक्यूज और विटनेस ने वॉलेंटरीली बोली होनी चाहिए। द
नेक्स्ट इट इज सेक्शन 164, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स. ये सेक्शन डील करता है विद रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स बाय मैजिस्ट्रेट. अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन कोई भी मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है स्टेटमेंट ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन और विटनेस इन द प्रेजेंस ऑफ देयर लॉयर इफ दे हैव एनी लॉयर और इन प्रेजेंस ऑफ एनी पर्सन चोजन बाय देम. और जो वो स्टेटमेंट है इट विल बी रिकॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट. इट मस्ट बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट एंड द मैजिस्ट्रेट मस्ट मेक अ मेमोरेंडम एट द फुट ऑफ द रिकॉर्ड स्टेटिंग द डेट एंड टाइम एट विच द रिकॉर्डिंग वॉज कम्प्लीटेड. Magistrate must also explain to the person making the statement that they are not bound to make the statement. Magistrate को उनको explain करना पड़ेगा कि you are not bound to make the statement. और ये statement जो वो कह रहे हैं वो उनके against as an evidence court में use की जा सकती है. इस section का purpose ये है कि वो unsure कर रहे हैं accused को कि उनका confession और वो जो भी statement दे रहे हैं वो विदाउट एनी कॉशन दे रहे हैं, अपनी मर्जी से दे रहे हैं एंड इट कैन बी यूज इन कोर्ट एज एन एविडेंस. देन नेक्स्ट इट इज सेक्शन 167, दैट इज प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स. जब इन्वेस्टिगेशन को 24 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं किया जा सकता तो उस टाइम पे पुलिस किस प्रोसीजर को फॉलो करेगी, सेक्शन 167 ये बताता है. It states that the police must produce the accused before the nearest magistrate and seek permission to detain them for a period not exceeding 15 days. Police को accused को 24 घंटे के अंदर अंदर nearest magistrate के पास लाना होगा और उससे permission लेनी होगी कि वो 15 दिन तक उसे डिटेन करना चाहते हैं. और अगर magistrate जो है satisfy हो जाता है with reasonable grounds for detention then he दे में ऑथराइज डिटेंशन फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 15 डेज. और अगर कोई ऑफेंस दैट इज पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर्स हैज बीन कमिटेड देन वो जो डिटेंशन का पीरियड है कैन बी फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 90 डेज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 173, दैट इज रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इसको हम चालान भी कहते हैं. सेक्शन 173 बात करता है रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. जब एक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो पुलिस सबमिट करती है रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू द मजिस्ट्रेट. और इस रिपोर्ट को चार्जशीट भी कहते हैं. इस चार्जशीट में सारी डिटेल्स होती है इन्वेस्टिगेशन की, जो भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की हैं, जो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. और अगर पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिलता है जो इन चार्जेस को सपोर्ट करता है तो दे में फाइल अ क्लोजर रिपोर्ट. मजिस्ट्रेट कैन देन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिपोर्ट. एंड देन सेक्शन 174 to 176 ये बात करता है कुछ उन ऑफेंसेस की और उनके प्रोसीजर की. सेक्शन 174 बात करता है पुलिस इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड एटसेट्रा. जहाँ पे भी कोई केस सुसाइड का होता है या फिर ऐसा लगता है कि किसी भी पर्सन ने सुसाइड कमिट किया है और ही वाज मर्डर्ड और डाइड अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस, वहाँ पे ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन और कोई भी अदर पुलिस ऑफिसर जब भी उसे कोई इंफॉर्मेशन मिलती है ही शुड मेक एन इंक्वायरी इनटू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ दैट केस. और उस इंक्वायरी में इंक्लूड होता है सेम एग्जामिन करना विटनेस को, उस स्पॉट को एग्जामिन करना जहाँ पे बॉडी मिली है, और ऑफिसर को सारी रिपोर्ट देनी होती है टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट. देन सेक्शन 175 बात करता है पावर टू समन पर्सन. इस सेक्शन में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो किसी भी पर्सन को एज विटनेस समन कर सकती है अगर उसे लगता है दैट इट इज नेसेसरी फॉर द इन्वेस्टिगेशन. और जो वो समन पर्सन है इज लीगली बाउंड टू अपेयर एंड टू आंसर ट्रूथफुली टू ऑल क्वेश्चन दैट बी पुट टू हिम और हर बाय द पुलिस ऑफिसर. देन सेक्शन 176 टॉक्स अबाउट इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इन टू कॉज ऑफ डेथ. इंक्वायरी मजिस्ट्रेट करेगी इन टू द कॉज ऑफ डेथ, वॉट इज द कॉज ऑफ डेथ. तो ये सेक्शन जो है एम्पावर करता है मजिस्ट्रेट को टू होल्ड एन इंक्वायरी इनटू द कॉज ऑफ एनी डेथ, चाहे उसकी रिपोर्ट जो है ना सेक्शन 174 सबमिट कर दी गई है या फिर कोई भी और रीजन है, तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट जो है वो इंक्वायरी होल्ड कर सकता है बाय हिमसेल्फ और ही मे डायरेक्ट एनी सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर टू मेक द इंक्वायरी. एंड
पर्पज ऑफ दिस इंक्वायरी इज टू असर्टेन द कॉज ऑफ डेथ, कि डेथ का कॉज क्या था और वेदर कोई पर्सन सच में कोई कमिटेड है फॉर दिस ऑफेंस और नॉट. So that was all about the procedure of investigation under CRPC from section 154 to 176, chapter 12 deals with it. And in conclusion, the investigation procedure outlined in the CRPC provides a systematic approach to handling criminal cases. It ensures that the law enforcement officials gather evidence, interview witnesses, and report their findings to appropriate authorities. सो बेसिकली सीआरपीसी हमें बताता है प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कैसे एफआईआर रजिस्टर होगी, कैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस करने हैं, विटनेसेस को एग्जामिन करना है, एंड ऐसे ऐसे इन्वेस्टिगेशन होगी, देन वी रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस एट्सेट्रा. एंड आफ्टर दैट चार्जशीट फ्रेम होगी और चार्जशीट फ्रेम होने के बाद एक्यूज्ड से पूछा जाएगा इफ ही प्लीड्स गिल्टी और नॉट गिल्टी. अगर एक्यूज्ड प्लीड करता है गिल्टी तो उसे सजा दी जाएगी. एंड इफ ही प्लीड्स नॉट गिल्टी देन ट्रायल स्टार्ट होगा. ट्रायल में पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस आएंगे, उसके बाद हमारे अगर स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड आएगी और वो चाहते हैं कि वो अपना डिफेंस विटनेस लाए तो उनके विटनेस आएंगे, देन आर्ग्यूमेंट्स होंगे एंड देन फिर जजमेंट आएगी. सो दिस इज अ बेसिक प्रोसीजर एंड लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन टू द ट्रायल. सो दैट वॉज ऑल अबाउट प्रोसीजर. सो थैंक यू एंड प्लीज डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल. थैंक यू.